रियल लाइफ कैरेक्टर्स पे ये इंस्पायर्ड नहीं है. हाँ, एक बॉबी का लुक है फिल्म में जो बहुत पॉपुलर हो गया है, लेकिन अजय का मेरा लुक जब हमने स्क्रिप्ट जब मिलन स्क्रिप्ट लिख रहा था और जब हमने एक नरेशन सुनी थी तो एक बहुत ही बेसिक लुक आइडिया था. पहले तो 60s और 70s का जो एरा था उसमें ऑब्वियस जो कपड़े पहनने का ढंग होता है, कलरफुल क्लोथ्स, बेल बॉटम्स, हाई कॉलर शर्ट्स, तो ये जनरल नॉर्म है. अगर आप 60s में फिल्म बना रहे हैं तो ये कपड़े होने चाहिए. एंड एज फार एज आई नो, जब क्रिएटिव टीम ने हमें कहा नहीं था कि किसी रियल लाइफ कैरेक्टर्स पे ये हमारे कैरेक्टर्स इंस्पायर्ड हैं या बेस्ड. इट्स प्रीटी टफ एंड पेनफुल, यू नो. थैंकफुली वी शॉट फॉर एन एंटायर 5 to 6 months एट अ स्ट्रेच, सो आई हैड ग्रोन द मस्टैश एंड केप्ट इट देयर. But I think the last shari was a bit of a problem when I had to again grow it back and shoot, which takes around 15 days to grow the mustache and then eventually shoot. Jo term istemal karte hain log six pack, isse mujhe bahut ghin hai. I think jab Milan ne mujhe film script narrate ki thi to unhone kaha tha ki ek overall muscular physique chahiye thi and ek overall look chahiye tha film ke liye, kyunki action jo action sequences hain uske liye ek thoda toughness leke aana bahut zaruri tha. तो हाँ, एक ओवरऑल लुक की ज़रूरत थी जिसके लिए मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ी. आई थिंक जो फिल्में मैंने देखी थी वो स्पेशली मिस्टर बच्चन फिल्म्स, अगर एक दो एक्टर चुनो तो मिस्टर बच्चन और शशि कपूर की बहुत सारी फिल्में देखी थी. कोई एक पर्टिकुलर फिल्म ऐसे दिमाग में नहीं आ रही. हर्डल था इस फिल्म में वो ये था कि हम 2010 में फिल्म शूटिंग कर रहे हैं मुंबई में, एंड एक्चुअली दिखाना था जब मुंबई के स्ट्रीट्स जिस तरह थे, विंटेज कार्स और जो मॉन्यूमेंट्स पीछे थे, जो बिल्डिंग्स थे उनको इरेज करना और स्पेशल इफेक्ट्स, तो ये सब चीज़ें आई थिंक हैट्स ऑफ द डायरेक्शन डिपार्टमेंट, मिलन स्पेशल इफेक्ट्स डिपार्टमेंट, आर्ट डायरेक्शन डिपार्टमेंट, ये सब हर्डल्स थी. लेकिन इवेंचुअली आई थिंक जो शूटिंग थी इट वॉज एन एक्सटेंसिव शूटिंग, बट इवेंचुअली वी गॉट व्हाट वी वांटेड. वेल, डेफिनेटली एक टर्निंग पॉइंट है क्योंकि मैंने ज़्यादातर हाँ इंटेंस रोल्स प्ले किए हैं, रोमांटिक रोल्स प्ले किए हैं. इसमें हमने कोशिश किया है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं, ज़्यादातर यूनिडाइमेंशनल होते हैं स्क्रीन पर. तो हमने कोशिश किया है टू गिव देम एन एज, एक इमोशनल कॉन्टेक्स्ट लेके आना, गाने अच्छे लेके आना, टू मेक द फिल्म मोर कलरफुल एंड नॉट डार्क, एंड एक वल्नरेबल यू नो कैरेक्टरिस्टिक टू ऑल दी यू नो टू ऑल द कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन. अजय के साथ काम करना इट वॉज अ ट्रीट, क्योंकि वो खुद एक इतने अच्छे बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, नेशनल अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं. एंड टू बी इन विथ हिम इन वन फ्रेम एंड एक्ट विथ हिम आई थिंक इंटिमिडेटिंग है, बट बहुत कुछ सीखने को मिलता है.